कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले मंकी किंग ने जब देवताओं का अपमान किया था तब देवताओं ने उसे कैद कर दिया था, लेकिन एक बौद्ध मास्टर ने मंकी किंग को आजाद कर दिया था, जिसके बाद मंकी किंग मास्टर का सेवक बन गया। वो मास्टर के साथ एक सफर पर गया था, उनके साथ वाजी नाम का एक पिक और सैंडी भी थे। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे डीमंस का सामना किया, लेकिन मंकी किंग का सबसे बड़ा दुश्मन दी ग्रेट डीमन किंग था, जिसके पास सीक्रेट स्कूल की पावर थी। तब मंकी किंग ने अपनी छड़ी से डीमन किंग का सिंह तोड़ दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद में डीमन किंग कमजोर हो गया। तब मंकी किंग ने डीमन किंग को धरती में कैद कर दिया और तब से मंकी किंग और उनके साथी कहीं गायब हो गए। अब हजारों साल बीतने के बाद लोग उन्हें भूल चुके होते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम न्यूयॉर्क सिटी में चाइना के एक म्यूजियम को देखते हैं, जहां पर एंशियंट चाइना के हथियार रखे होते हैं। तभी वहां पर डीमन किंग के चमचे आ जाते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड को डरा करके बेहोश कर देते हैं। इसके बाद में ये डीमन सीक्रेट स्क्रोल को चुरा लेते हैं। यहाँ इन्हें मंकी किंग की छड़ी भी दिखती है, लेकिन ये उठा नहीं पाते, इसलिए वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम चाइना के एक जू को देखते हैं, जहां पर गोल्डन कलर के मंकीज होते हैं। वहां पर मंकीज का एक मास्टर भी होता है, जो कि उन्हें कुंग फू सिखा रहा होता है। तभी सनी नाम का एक मंकी मास्टर से कहता है कि उसे कुंग फू अच्छे से आता है। वो सभी के सामने रस्सी पर चढ़कर शो ऑफ करने लगता है, जिससे कि सनी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिसके बाद जू की एक नर्स, जिसका नाम गोगो होता है, वो सनी का इलाज करती है। सनी गोगो को बहुत पसंद करता है। गोगो सनी से कहती है कि तुम्हें दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए, तुम जैसे भी हो मुझे वैसे अच्छे लगते हो। इसके बाद में गोगो सनी को एक सॉफ्टवेयर दिखाती है, जिससे कि अलग अलग जगह के साथ फोटो खींच सकते हैं। इसके बाद में सनी और गोगो भी अपने फोटो क्लिक करते हैं। तभी वहां पर जू का मैनेजर आ जाता है, वो गोगो को डांटने लगता है। वो गोगो से कहता है कि तुम मंकीज को बहुत ही प्यार करती हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानवर है और उनकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। मैनेजर गोगो से कहता है कि सनी तुम्हारी वजह से बहुत दिखावा करता है। सनी ये सब सुन लेता है, वो बहुत दुखी हो जाता है और पेड़ पर जाकर के लेटा होता है और मंकी किंग की फोटो देख रहा होता है। सनी खुद से कहता है काश उसके पास मंकी किंग की पावर्स होती, जिससे कि कोई भी उसे कमजोर नहीं समझता, साथ ही गोगो भी उसे पसंद करती। वहीं हम गोगो को देखते हैं, जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी वहां पर डीमन किंग के चमचे आ जाते हैं और वो गोगो को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि गोगो पिछले जमाने के मास्टर की तरह दिख रही होती है। अगली सुबह जब गोगो मंकी को खाना देने नहीं आती है, तो सनी बहुत परेशान होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि शायद मैनेजर ने गोगो को जू से निकाल दिया है। तभी सनी छुप करके गोगो के रूम में चला जाता है। सनी देखता है कि गोगो का सारा सामान रूम में ही है, लेकिन वहां पर कुछ टूटा फूटा सामान भी पड़ा है। जिसके बाद में सनी लैपटॉप में पिछली रात की फुटेज देखता है, जिसमें डीमंस गोगो को ले जा रहे होते हैं। सनी समझ जाता है कि किसी ने गोगो को किडनैप कर लिया है। वो परेशान होने लगता है। तभी सनी को एक कैब मिलती है, जिस पर कि न्यूयॉर्क लिखा होता है, और ये कैब उन्हीं डीमंस की होती है। सनी समझ जाता है कि डीमंस गोगो को लेकर के न्यूयॉर्क गए हैं। इसके बाद में सनी एक टॉय बन जाता है और एक टॉय स्टोर में जाकर के बैठ जाता है। तभी एक लेडी उसे खरीद लेती और वो उसे जू से बाहर लेकर के आ जाती है। बाहर आते ही सनी एक बस पर चढ़ जाता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट जाते ही वो एक बैग में जाकर के छिप जाता है, जिसके बाद में वो फ्लाइट में पहुंच जाता है और कुछ घंटों के सफर के बाद प्लेन न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है। सनी न्यूयॉर्क को पहली बार देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन शहर के लोग सनी से डर रहे होते हैं, क्योंकि सनी एक बंदर होता है। तभी सैंडी नाम का एक पुलिस वाला सनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सनी एक टेम्पल में जाकर के छिप जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मास्टर वाजी से होती है, जो कि एक पिक होता है। वाजी सनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सनी बताता है कि वो यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने आए। तभी टेम्पल में सैंडी आ जाता है, लेकिन वाजी सनी को अपने पीछे छिपा लेता है। इसके बाद में सैंडी चला जाता है। अब सनी बाजी से मदद मांगता है, वो बाजी को डीमंस की हेड देता है, जिसे सुनते ही बाजी समझ जाता है कि ये डीमंस की हेड है। जिसके बाद में बाजी बताता है कि कहानी के अनुसार डीमंस किंग अभी भी जिंदा है और उसके चमचों ने सीक्रेट स्क्रोल को चुरा लिया, शायद वो उसे आजाद कराना चाहते हैं। बाजी बताता है कि डीमन किंग न्यूयॉर्क की धरती के नीचे कैद है, जिस पर सनी कहता है कि मंकी किंग ने तो डीमन को मार दिया था, साथ ही उसके सिंह के दो टुकड़े कर दिए थे। जिस पर बाजी कहता है कि मंकी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे कैद किया था और उसके सिंह के दो नहीं तीन टुकड़े किए थे, क्योंकि मैं उस समय वहीं पर था। ये सुनते ही सनी समझ जाता है कि बाजी वही पे गए जो कि मंकी किंग के साथ था। अब सनी बहुत ही खुश होता है, इसलिए वो बाजी से कहता है कि डीमंस ने उसकी दोस्त को किडनैप कर लिया है, इसलिए गोगो को बचाने में बाजी उसकी मदद करे, जिस पर कि बाजी तैयार हो जाता है। इसके बाद में बाजी स्टिक से ड्रॉ करके बताता है कि डीमन किंग के तीन टुकड़े न्यूयॉर्क की अलग अलग जगहों पर हैं, हमें उन्हें एक साथ लाना होगा, जिससे कि वो टुकड़े हमें डीमन किंग तक ले जाएंगे। बाजी कहता है कि पहला टुकड़ा सेंट्रल पार्क के कैसल में है। इसके बाद में बाजी और सनी बाजी के स्कूटर पर बैठकर के पार्क
की तरफ जाने लगती है। तभी सनी बाजी से कहता है कि क्या वो उसे मंकी किंग के स्पेशल मूव्स को सिखा सकता है, जिस पर बाजी कहता है कि मैं सिखा तो सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम इसके काबिल हो या नहीं। तभी बाजी सनी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने के लिए कहता है। सनी को यह काम बहुत ही आसान लगता है और वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरे पेड़ की तरफ कूदता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जिस पर बाजी सनी से कहता है कि तुम हर चीज को बहुत ही आसान समझते हो। वो सनी को डिवाइन मंकी के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ऊंचा कूद सकता है, जिसके बाद में बाजी सनी को डिवाइन मंकी का एक बाल देता है, जिसके बाद में सनी फिर से कूदने की कोशिश करता है लेकिन अब भी वो नाकाम रहता है। जिस पर सनी कहता है कि ये बाल किसी काम का नहीं है, जिस पर बाजी कहता है कि जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक ये बाल काम नहीं करेगा। वहीं इन दोनों को एक डीमन छिप करके देख रहा होता है। इसके बाद हम गोगो को देखते हैं जिसे कि बांध कर रखा गया होता है। वहाँ पर डीमन किंग भी होता है। वो गोगो को सीक्रेट स्क्रो पढ़ने के लिए कहता है लेकिन गोगो कहती है कि वो प्राचीन भाषा नहीं पढ़ सकती, जिस पर डीमन किंग कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम पुराने जमाने में मास्टर थी और तुम इसे पढ़ सकती हो। तभी वहाँ पर डीमन किंग का खबरी आ जाता है। वो बताता है कि एक बंदर और एक पिग सिंह के टुकड़े को लेने के लिए सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर के डीमन किंग उन्हें मारने के लिए बिन डीमन को भेजता है। वहीं बाजी और सनी सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं और वहां पर सिंह के टुकड़े को ढूंढने लगते हैं। तभी सनी को एक पेड़ पर वो पीस मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर बिन डीमन आ जाता है और वो तूफान से सनी और बाजी पर अटैक करता है, जिससे कि बाजी तूफान में फंस जाते हैं। सनी डीमन से बच करके भागने लगता है और वो कैसल के पीक पर आ जाता है, लेकिन डीमन वहां भी आने लगता है, जिसके बाद में सनी खुद पर विश्वास करता है और एक पास के पेड़ पर छलांग लगा देता है। तभी बाल की पावर उसे सेफ लैंड करा देती है। इसके बाद में सनी एक दीवार पर चढ़ने लगता है, तभी उस दीवार की ईंटें उस पर गिरने लगती, लेकिन बाल की पावर तभी ईंटों को फ्रीज कर देती है। इसके बाद में सनी ईंटों की मदद से ऊपर चला जाता है, लेकिन सारी ईंटें डीमन पर आकर के गिर जाती है और वो नीचे दब जाता है। इसके बाद में वो डीमन डर करके भाग जाता है और बाजी भी बच जाते हैं। अब सिंह का टुकड़ा उन्हें दूसरे पीस की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद में सनी और बाजी दूसरे टुकड़े को लेने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक ट्रक में छिप करके जा रहे होते हैं। तभी बाजी सनी को एक और बाल देता है जो कि एक गोरिल्ला का होता है। बाजी सनी से कहता है कि इस बाल से तुम गोरिल्ला बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति से गोरिल्ला के बारे में सोचना होगा। जिसके बाद में सनी अपने दिल और दिमाग से गोरिल्ला की पावर को महसूस करता है और वो एक बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है, जिसे देखते ही ट्रक का ड्राइवर डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद में बाजी सनी से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर से किसी को डराना नहीं चाहिए, तभी तुम मंकी किंग की तरह बन सकते हो। अब बाजी देखता है कि सिंह का बीस क्राइसलर बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसका मतलब दूसरा बीस क्राइसलर बिल्डिंग के पीक पर है। वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में सनी दूसरे पीस को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर स्टॉर्म डीमन आ जाती है और वो सनी पर अटैक करती है। सनी भी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन स्टॉर्म डीमन सनी पर एक बिजली का झटका देती है जिससे कि सनी दूर जाकर के गिरता है। इसके बाद में स्टॉर्म डीमन सनी के पास आने लगती है, तभी सनी एक लोहे की पाइप से डीमन पर अटैक करता है जिससे कि डीमन दूर जाकर के गिरती है। इसके बाद में सनी दूसरे टुकड़े को लेकर के आ जाता है। अब सनी शहर के लोगों के सामने दिखावा करने लगता है कि उसने अभी डीमन को हरा है। बाजी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वहां पर सैंडी आ जाता है। वो दोनों को पकड़ लेता है और एक शहर के जू में ला करके डाल देता है। वहां पर मौजूद मंकी सनी को देख करके हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार गोल्डन मंकी को देखा होता है। वो सनी से पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, जिस पर सनी कहता है कि वो चाइना से है। तभी बाजी सनी को बुलाता है और उसे डीमन किंग के सींग का टुकड़ा देता है। तभी वो टुकड़ा हाथी की तरफ इशारा करता है क्योंकि तीसरा टुकड़ा हाथी के टूथ में लगा होता है। इसके बाद में बाजी सनी को पीस लाने को कहता है, लेकिन सनी हाथी के केज में नहीं जा पाता, जिसके बाद में बाजी सनी को एक और बाल देता है जो कि हॉरल मंकी का होता है। बाजी कहता है कि इससे तुम हॉरल मंकी की तरह तेज चीख सकते हो और हाथी के केज को तोड़ सकते हो। इसके बाद में सनी चीखने लगता है, तभी वहां पर फायर डीमन आ जाता है, जिसके बाद में सनी उससे लड़ने लगता है। सनी फायर डीमन की पावर से उसी पर पलट देता है, जिससे कि वहां मौजूद मंकी सनी को हीरो समझने लगते हैं। तभी फायर डीमन पीछे से सनी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हाथी उस पर पानी डाल देता है जिससे कि डीमन वहां से चला जाता है। इसके बाद में हाथी उन्हें तीसरा टुकड़ा भी देखता है। तभी बाजी देखता है कि केज का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद में बाजी और सनी सिंह के टुकड़ों को जोड़ देते हैं, जिसके बाद में सिंह उन्हें डीमन किंग की तरफ ले जाने लगता है और वो एक गटर की तरफ इशारा करता है। इसके बाद में वो दोनों गटर में आ जाते हैं। वहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहां पर सभी डीमन सो रहे होते हैं। साथ ही गोगो को जंजीरों में बांध करके रखा होता है। इसके बाद में सनी चुपके से नीचे जाता है और गोरिल्ला बन करके गोगो को आजाद करा देता है, लेकिन तभी गोरिल्ला को देख करके गोगो डर जाती है, जिसके बाद में सनी अपने असली रूप में आ जाता है। गोगो सनी को गले से लगा लेती है। इसके बाद में सनी गोगो और सीक्रेट स्क्रोल को लेकर के ऊपर आ जाता है। तभी सनी नीचे मंकी किंग का ताज देखता है। वो उसे लेने के लिए नीचे जाने लगता है। तभी बाजी उससे कहता है कि तुम्हें
गोगो और स्क्रोल तो मिल गए, अब तुम नीचे क्यों जा रहे हो? जिस पर सनी कहता है कि अभी अभी उसने डीमन किंग को हराया, इसलिए कोई तो सबूत होना चाहिए जो चाइना जाकर के मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं, इसलिए मैं ताज लेने जा रहा हूं। बाजी उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर सनी कहता है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और तुम बूढ़े हो गए हो। इससे कि बाजी को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में गोगो सनी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन सनी गोगो की बात भी नहीं सुनता और वो नीचे चला जाता है। अब जैसे ही सनी ताज को लेने की कोशिश करता है तो वो एक जाल में फंस जाता है, तभी डीमंस भी जाग जाते हैं और ये इनका जाल होता है। डीमन किंग कहता है कि तुम भी मंकी किंग की तरह लालची हो जो कि ताज के लिए पागल है। इसके बाद में डीमन किंग अपना टूटा हुआ सींग सनी से छीन लेता है और उसे फिर से जोड़ लेता है। ऐसा करते ही वो धरती से बाहर आ जाता है। इसके बाद में सनी गोरिल्ला बन जाता है और वो डीमन किंग पर अटैक करता है, तभी डीमन किंग सनी से तीनों बाल छीन लेता है और अपने चमचों में बांट देता है। इसके बाद में डीमन किंग सनी को रेल की पटरी पर बांध देता है और गोगो को सीक्रेट स्कूल पढ़ने के लिए कहता है जिससे कि वो पावरफुल हो जाए। गोगो सनी की जान बचाने के खातिर स्क्रोल को पढ़ने लगती जिससे कि डीमन किंग पावरफुल हो जाता है। इसके बाद में गोगो डीमन किंग से कहती है अब सनी को छोड़ दो, जिस पर डीमन किंग कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि कभी डीमन पर भरोसा मत करना। इसके बाद में डीमन किंग अपने चमचों को म्यूजियम चलने के लिए कहता है और वो गोगो को लेकर के वहां से चले जाते हैं। वहीं सनी पटरी से बंधा होता है, तभी ट्रेन आने लगती है लेकिन वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि बाजी ने उसे अपनी पावर से रोक दिया होता है। बाजी सनी को खोल देता है। इसके बाद में सनी अपनी गलती महसूस करता है और वो बाजी से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैंडी को देखते हैं जो कि मंकी किंग की किताब पढ़ रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि वो पिछले जमाने में सैंडी था क्योंकि उसकी शक्ल उससे मिलती है। वहीं सनी और बाजी जब ऊपर आते हैं तो सनी देखता है कि सारी चीजें रोकी हुई हैं क्योंकि बाजी ने समय को रोक दिया होता है। तभी सनी बाजी से कहता है ये आपने कैसे किया, तब बाजी कहता है ये एक स्पेशल ट्रिक है लेकिन इसका असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द डीमन किंग को रोकना होगा। तभी सनी कहता है कि अब उसके पास कोई पावर्स नहीं है, अब वो एक मामूली सा बंदर है। जिसके बाद में बाजी कहता है कि पावर्स बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है, अब तुम्हें एक हम्बल वॉरियर बनना होगा। इसके बाद में बाजी सनी को हम्बल वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देने लगता है। सनी कुछ ही टाइम में गोरिल्ला की पावर सीख लेता है, इससे बाजी बहुत खुश होता है। अब सनी बाजी से कहता है कि डीमन किंग म्यूजियम गया लेकिन वहां पर ऐसा क्या है? तभी बाजी कहता है कि आज वहां पर एंशिएंट चाइना का एग्जीबिशन होने वाला है और वहां पर न्यूयॉर्क का मेयर भी आने वाला है, इसलिए हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना होगा लेकिन मैं चल नहीं सकता और मेरा स्कूटर भी नहीं है। तभी वहां पर सैंडी आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से उन्हें म्यूजियम ले जाता है। वहीं डीमन किंग म्यूजियम में पहुंच जाता है और मेयर को पकड़ लेता है। वो सभी लोगों को म्यूजियम में कैद कर लेता है। वो सब लोगों से कहता है कि अब तुम कुछ ही देर में अपने न्यूयॉर्क के नए राजा को देखोगे। तभी डीमन किंग के चमचे उससे कहते हैं कि न्यूयॉर्क के राजा बनने से क्या होगा, जिस पर डीमन किंग कहता है कि अगर मैं यहाँ का राजा बन गया तो मैं वर्ल्ड के सभी लीडरों को अपना गुलाम बना लूंगा जिससे कि पूरी दुनिया मेरी गुलाम हो जाएगी। तभी सनी बाजी और सैंडी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद में सनी बाजी और सैंडी को लोगों को बाहर ले जाने के लिए कह देता है और वो अकेला ही डीमन से लड़ने लगता है। सनी डीमन किंग के चमचों की पावर्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है जिससे कि वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब डीमन किंग मंकी किंग की छड़ी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। तभी डीमन किंग मेयर और गोगो को एक छत पर रख देता है और सनी से लड़ने लगता है, लेकिन सनी उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी सैंडी और बाजी म्यूजियम से अपने हथियार ले लेते हैं और वो डीमन किंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन डीमन किंग अपनी पावर से बाजी को घायल कर देता है। इसके बाद में सनी मंकी किंग की छड़ी को उठा लेता है। ये देख करके डीमन किंग हैरान रह जाता है क्योंकि वो छड़ी को नहीं उठा पाया था। इसके बाद में सनी छड़ी की वजह से बहुत ही पावरफुल हो जाता है और वो डीमन किंग के सींग को तोड़ देता है जिससे कि उसकी पावर्स चली जाती हैं। सनी छड़ी की मदद से डीमन किंग और उसके चमचों को फिर से धरती में कैद कर देता है। अब गोगो सनी को देख करके बहुत खुश होती है। इसके बाद में सनी बाजी के पास आता है, जिसके बाद बाजी सनी की सच्चाई बताता है कि असल में सनी तुम ही मंकी किंग हो, इसीलिए तुम छड़ी को उठा पाए। वो बताता है कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम पिछले जमाने के मेरे दोस्त मंकी किंग हो। ये कहते हुए बाजी दम तोड़ देते हैं। इसके बाद में सनी और गोगो वापस चाइना अपने घर आ जाते हैं। अब सब मंकी बहुत खुश होते हैं और डांस करते हैं, साथ ही जू का मैनेजर भी बहुत खुश होता है। अब हम जू में एक पिक को देखते हैं जिसके बम्पर एक निशान होता है जो कि बाजी की तरह ही निशान होता है क्योंकि बाजी ने दोबारा से जन्म ले लिया होता है। और इसी के साथ में इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।